लेकिन हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर भाई साहब लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में ना जो डेटिंग एप्स है ना वो इंडिया में ही क्यों लॉन्च की जाती हैं, क्योंकि उनको पता है ना भाई साहब यहाँ निठल्लों की कमी नहीं है। संदीप महेश्वरी को तो आप जानते होंगे, विवेक बिंद्रा को भी जानते होंगे, सोनू शर्मा और खान सर को तो कौन नहीं जानता, इन सबके वीडियोज आपने देखे होंगे। मैं इन सबके जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं इन सबका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि भाई साहब ये लोग ना एक रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं युद्ध में एक बदलाव आए, लोग अपने करियर अपनी देश के लिए सोचे, आगे बढ़े, जिंदगी में सफल बने, यही तो चाहते हैं सब, इसीलिए तो वो आपको इंस्पायर करना चाहते हैं। लेकिन हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर भाई साहब लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में ना जो डेटिंग एप्स है ना वो इंडिया में ही क्यों लॉन्च की जाती हैं, क्योंकि उनको पता है ना भाई साहब यहाँ निठल्लों की कमी नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियां ढूंढते रहते हैं, उनके उन्हीं के लिए यहाँ लॉन्च की जाती हैं। अमेरिका में ना 25-26 साल के लड़के लड़कियां मिलियनेयर बन जाते हैं, और यहाँ 25-26 साल के कुछ लड़के लड़कियां भाई साहब लड़के लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढो भाई साहब, जिंदगी खराब हो जाएगी। पता है ये जो वक्त है ना जिंदगी में कुछ काम करने का, कुछ बन जाने का, भाई साहब ये वाला टाइम चला गया ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखियो। पता है गाड़ी टूट जाए ना दोबारा खरीदोगे, घर बिक जाए दोबारा खरीदोगे, भाई साहब पैसा भी डूब जाए ना तो दोबारा कमा लोगे, लेकिन ये वक्त अगर एक बार निकल गया ना तो साइंस भी अभी वहां तक नहीं पहुंचा कि इस गुजरे हुए वक्त को वापस लेकर आ जाए। भाई साहब इस लाइफ में ना वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वक्त अगर चला गया ना तो भाई साहब जिंदगी में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आपको पता है खान सर की क्लास के दो बच्चे हैं 5-6 साल के बच्चे, भाई साहब मैं एक क्लिप दिखाऊंगा अभी, अभी देखना इस क्लिप को, भाई साहब गूगल इतनी जल्दी सर्च करके नहीं देता, वो बच्चे खटखट कर जवाब दे रहे हैं, 5-6 साल के उम्र के बच्चे, भाई साहब उनको खिलौने की खेलने की उम्र है, और लेकिन वो यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए जब इतना इंटेलिजेंट वो 5-6 साल की उम्र में है तो भाई साहब 20-25 में होंगे तो फाड़ ही देंगे ना। सार्क में कितने देश आते हैं? 8 मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान में कितने देश? 10 म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तिब्बत का पठार कहाँ है? चीन। दक्कन का पठार? भारत। पोटवार का पठार? पाकिस्तान। अब सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? 5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगर ऐसी हमारी जनरेशन आने वाली है तो भाई साहब मुझे तो इतना प्राउड फील होता है ना कि अगर हमारी जनरेशन ऐसी है तो भाई साहब विश्व गुरु तो भारत जरूर एक दिन बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भाई साहब समझें। पता है जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है ना, लोग आपकी खैरियत नहीं पूछते, लोग आपकी हैसियत पूछते हैं। और अगर लाइफ में आप फेल हो गए ना तो भाई साहब सामने से तो निकलने की दूर की बात है, वो पीठ दिखाकर भी आपको पीछे से नहीं निकलेंगे, वो चुपके से निकल जाएंगे, अबे यार ये खड़ा है निकल जाओ भाई साहब। समझ रहे ना, दुनिया ऐसी है, और समझदार बहुत हैं आप, हमें पता है बहुत समझदार हैं आप, लेकिन कभी कभी ना आप में से कुछ लोगों की समझदारी ना घास चरने चली जाती है। भाई साहब वो समझदारी वापस लाओ यार, और ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ। पता नहीं कोई तो इंसान होगा ना जो आपसे इंस्पायर हो जाएगा। फेल इंसान से कौन इंस्पायर होता है, कौन होता है बता दो मुझे। इसलिए कह रहा हूँ यार, जिंदगी में सफल इंसान बन जाओ तो कोई किसी को तो इंस्पायर कर ही दोगे ना। बाकी ऐसे वीडियोज़ ला ला कर मैं आपको इंस्पायर करता रहूँगा, और मेरे वीडियोस में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी आपका टाइम है भाई साहब, इस टाइम का सही इस्तेमाल कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी, और जब सफल बन जाओगे ना लड़की भी आ जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी, घर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन फेल हो गए ना तो कुछ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेटेड घूमते रहोगे। भाई साहब समझदार हो, समझदारी से चीज़ों को समझो, और मेरी कोई बात अगर बुरी लगी तो भाई साहब माफ़ी चाहते हैं।